वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन इस वक्त हमारे आपको बताते चले कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे शेख रशीद साहब, उनसे बात करेंगे कि वो इस वक्त हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। जी शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम गुलफाम साहब। गुलफाम साहब, क्या हाल है आपका? बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब, पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप इलेक्शन जीत चुके हैं। खैर मुबारक हो गुलफाम साहब। गुलफाम साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था ये फसली बटे रहे हैं, 4 दिन आए धांधली करके, अब आते ना मुंह पे जूता मारा उतार के मेरे कारकुनों ने। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई धांधली नहीं हुई इस बार? और ना जी, धांधली कहा, मेरे हल्के में तो शफाफ इलेक्शन हुए हैं। शफाफ इलेक्शन? बिल्कुल शफाफ हुए, बिल्कुल शफाफ जी। बोलो शेख, तो देखे शेख साहब मान चुके हैं कि वाकई बहुत शफाफ इलेक्शन हुए। शेख साहब, इस वक्त प्रोग्राम आप देख रहे हैं, इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और देखें जी, गुलफाम बेटी का इशू है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा होगा, आप भी बात करते हैं, मैंने तो इस लांझे को पाला ही नहीं है, इसीलिए मैंने तो आज तक शादी की ही नहीं है। लोग कहते हैं कि शेख रशीद ऐसा है, शेख रशीद वैसा है, आज देखे ना, ना कोई फिकर, ना कोई फाका, ऐश कर काका। तो मैं क्या इस मसले पे, मैं नहीं कुछ बोल सकता। मतलब आप कहने का मतलब है असल फसाद की जड़ शादी है, बंदा शादी ना करे तो ये मसाइल नहीं क्रिएट होते? और छोड़े जी, मैं तो समझता हूँ ये सारा काम जो है ना नून लीग की हुकूमत का है। उन्होंने बच्चों को लैपटॉप दे दिए हैं जिससे बच्चे खराब हो गए हैं, ना बाप की सुनते हैं ना बेटे की। देखें गुलफाम साहब, गुलफाम साहब, हम टीन डब्बों से नहाने वाले लोग थे, ये लोग आके कहते हैं शेख रशीद ने ओजरियाँ। और मैं ओजरियाँ बेचता हूँ तो अपनी जात के लिए बेचता हूँ ना, और मैं कोई गरीब आम को पाउडर तो नहीं बेच रहा। मतलब पाउडर से आवे मतलब आपका इशारा हनीफ बाजी की तरफ है ना? और मेरा कोई इशारा गंगू तेली की तरफ है? अब बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे शेख साहब। शेख साहब बहुत मेहरबानी, आप हमारे साथ थे। ये थे शेख रशीद साहब। इसके साथ अब आपसे बात करूंगा। आप देखिए, उन्होंने भी शेख साहब ने कहा कि शादी ना करते तो आप, मतलब आपकी बीवी जो है वाइफ बैठी है आपके साथ, मुस्कुरा रही भी है माशाल्लाह, इतनी अच्छी प्यारी स्माइल है, कहां मतलब इतनी प्यारी है, देखिए कैटरीना लग रही है। तो वो आपने ये मतलब वो कह रहे हैं कि वाइफ की वजह से सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आपके वालिद साहब ने भी कहा है। ओ गुलफाम साहब, आप अपनी बीवी को देखें, वाइफ की वजह से होती है बीवी। और जी आपको क्या पता है, आप भी शुरू हो जाते हैं, कोई वाइफ की वजह से प्रॉब्लम नहीं होता। मुझे शेख रशीद साहब की बात से बात याद आ गई है, मैं एक दफ़ा अपने वालिद साहब को जलसे में लेके गया, वहाँ पे इमरान खान साहब का जलसा था, इन्होंने जाके वहाँ पे एक्टिंग शुरू कर दी नवाज शरीफ की, लोगों ने वो जूते मारे, अपना सर बचाऊँ अबे का सर बचाऊँ। और मैं कह रहा हूँ, मैं इसीलिए इनको नहीं कहीं लेके जाता, इनको अपनी होश नहीं है। मैं चौधरी साहब आपसे बात करूँगा, चौधरी साहब आपसे बात करूँगा कि आपके आप ऐसा क्यों करते हैं, थोड़ा मैच्योरिटी का भी आप मतलब देखें, आपकी एज भी अच्छी खासी हो गई है, तो ऐसा क्यों करते हैं, प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करते हैं, अपने बच्चों के लिए मसाइल क्यों बनाते हैं? देखें जी, मैं एक ही बात सोचता हूँ कि अगर ये ना होता तो आज मैं स्टार होता, सिर्फ इस बंदे की वजह से। मतलब आपको एक्टिंग का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा, इससे भी। आपने एक्टिंग की क्यों नहीं, आप एक्टिंग की करें, ये हो गया था आपको क्यों नहीं? मैं तो कहता हूं आपको, आपकी एक्टिंग भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, शाहरुख खान की एक्टिंग की, आपको तो हम ले ही लेते हैं, आपको हम अपने प्रोग्राम में रखा करेंगे। और मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, गुलफाम साहब इसको रख ले खुदा का नाम है बस। आप अमीर से बात करें, आपके वालिद साहब हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और बड़े तो क्या आप, तो आपको रोना आ रहा है, मुझे भी रोना आ रहा है, मेरे बच्चों के निकर पहन के शुरू हो जाते हैं, मैं स्पाइडरमैन हूं, मैं सुपरमैन हूं, कपड़ा लाल सब, मतलब कितनी पूरी गली में घूमते रहते हैं, ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराते, कितनी खांसी और छींके मारते हैं वो। और जी क्या बताऊं, सलवार कमीज के ऊपर मेरा अंडरवियर पहन के सर कपड़ा घूम के गलियों में घूमते हैं, मैं स्पाइडरमैन हूं, सुपरमैन, और मैं फिर चीख मार रही हूं, अब मेरे ख्याल में कोई और दौरा पड़ने लग गया उनको, संभालो लो। औरत 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 नाना पड़ेगा, फिर नाना पड़ेगा, कैसे बताऊं मैं किधर जाऊं, मैं किधर जाऊं, कैसे बताऊं तुझे कौन है औरत मेरे लिए। 8 साल बाप तड़पता है, खांसता है, परवाह नहीं होती, रात को बीवी बोलती है सर में दर्द है जानू, उठा के ले जाता है बरसाती मेंढक की तरह फुतकता जाता है हॉस्पिटल में, 8 साल बाप की याद ना आई, एक बीवी की कहने से ये कहां पहुंच जाता है। मतलब आप कहना नहीं मानते? कैसे बताऊं, बच्चा पैदा होता है औरत औरत औरत, बच्चा पैदा होता है, माँ पैंपर पहनाती है, बाप खाना खिलाता है, बड़ा होता है स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, शादी करता है, बीवी उठा के ले जाती है इसको, बीवी रिबोट की तरह चलाती है इसको, एक चैनल दबाती है वेव मारता है, दूसरे चैनल दबाती है वेव मारता है, कभी रिबोट मारता है, कभी यूं करता है, क्या करता है ये लड़का समझ नहीं आती।
साहब होश कीजिए आप स्टूडियो में बैठे इसका इलाज है जो साहब तो डांस भी कर लेते हैं ये तो मतलब जो साहब आप हमारे प्रोग्राम में सेलेक्ट हैं आपको एक्टिंग का भरपूर मौका दिया जाएगा आप एक्टर बहुत प्यारे हैं ये ले दो आते इसने मुझे पागल कर दिया इसका नाज़िम हमारे साथ आपको इस लड़के ने पागल कर दिया मौजूद है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हम उनसे बात करेंगे बिलावल भुट्टो साहब अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कल भी भुट्टा जिंदा थी और आज भी भुट्टा जिंदा है तुम कितने भुट्टा मारोगी हर घर से भुट्टा निकलेगा हम खून देंगे हम बिलावल साहब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपकी तो ओवरऑल गवर्नमेंट तो मतलब आपकी नहीं आ सकी आप हार गए इलेक्शन लेकिन आपने सिंध में गवर्नमेंट बना ली वहाँ पे आपकी अक्सरियत है आप गवर्नमेंट बनाएंगे वहाँ पर क्या ख्यालात हैं आप कैसे आप चलाएंगे आप अपने उस सूबे को किसने कहा कि हम हार गए मेरे पापा कहते हैं कि पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह की अब हमने की हमने सिंध फतह की हम सिंध में व्हाइट हाउस बनाएंगे हम सिंध को अमेरिका जैसा बनाएंगे हम सिंध से लेकर इस्लामाबाद तक और फ्लाई ओवर बनाएंगे और हम पंजाब में से गुजरते ही नहीं वहाँ की हुकूमत करप्ट है हम सिंध को बिल्कुल अमेरिका की कॉपी बनाएंगे क्योंकि कल भी भुट्टो जिंदा थी और आज भी भुट्टो जिंदा है कल भी भुट्टो जिंदा थी और आज भी भुट्टो जिंदा है तुम कितने भुट्टो मारोगी हर घर से भुट्टो निकले प्रोग्राम कितने भुट्टो मारोगी आपको आवाज आ रही है मैं आपसे पूछ रहा हूँ की प्रोग्राम के बारे में आप कहेंगे वालिद साहब बैठे और बेटा बैठे हैं इशू को आपने देखा पापा 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 इस पापा को देख के मुझे मेरा पापा याद आता ये पापा मेरे पापा जैसा इनोसेंट पापा तुम कितने भुट्टा मारोगे घर से भुट्टा निकलेगा अच्छा मैं आपसे बात जिए भुट्टो सदा जिए बंद कर दे थोड़ा चोई साहब मैं आपसे बात करूंगा जी चोई साहब मैं आपसे बात करूंगा जी बोलिए आप एक आपने बेटे की परवरिश की तालीम व तरबियत की आज आपको वो सिला नहीं मिल रहा बिल्कुल इसकी कोई वजह होगी कोई ना कोई तो वजह होगी लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा मैं आप जो बेटा है मैं आपसे बात करूँगा कि आपके ये वो वालिद हैं जिन्होंने आपको चलना सिखाया उस वक्त जब आप चल नहीं सकते थे आपके ये वो वालिद हैं जिन्होंने हर उस ख्वाहिश को पूरा किया जो आपके लबों पे अभी आई नहीं थी और आपको इस पोजीशन पे पहुंचाया आपको इनका ख्याल रखना चाहिए और आज जब उनको आपकी ज़रूरत पड़ी तो आपने हाथ पीछे हटा लिए कुछ तो ख्याल करें हमारा मज़हब हमारी तहजीब क्या इस बात की इजाज़त देती है कि हम अपने वालिदैन के साथ ऐसा करें दूसरों के कल्चर को देखकर औरों के अंग्रेज तो अपने वालदैन को ओल्ड हाउसेस में भेज देते हैं लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं कि हम अपने वालदैन को ओल्ड हाउसेस में भेजें आपको इस बात पे गौर करना चाहिए शर्म आनी चाहिए आपको अपने वालिद के साथ ऐसा भी जैसे भी हैं आपके वालिद हैं आपको उनका ख्याल रखना चाहिए और इस बात को अभी भी मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा कि आप किसी घर से आई हैं आपके भी वालिद साहब हैं ससुर भी एक वालिद की जगह होते हैं मैं आपसे बात करूं ससुर भी एक वालिद की जगह होते हैं और उनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है वो बीमार हैं वो कैसे हैं उनके रूम में जाके उनका पता करना ये आपका फर्ज बनता है हमारे मज़हब में हमारे यहाँ हमारे दीन में हमारे हदीस है कि बदनसीब है वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया और जन्नत हासिल नहीं की तो इस बात को आप करें और चोई साहब मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा कि जो अच्छी औलादें होती हैं जो नेक औलादें होती हैं जिनकी अच्छी परवरिश की जाती है वो कभी अपने वालिदैन का सर नीचा नहीं होने देती ज़रूर आपकी तालीम और तरबियत में कोई कमी ऐसी रही होगी कि आज आपको ये दिन फेस करना पड़े नाज़िन प्रोग्राम आपने देखा उम्मीद है आपको पसंद आया होगा कल्चर ट्रेडिशन किसी भी कौम को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड में किसी के कल्चर को देख के सीखिए ज़रूर बट डोंट इग्नोर योर ओन कल्चर इसी अच्छी सी बात के साथ मुझे अपने मेज़बान गुलफाम खान को इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाजत अल्लाह ने के बाद
हेलो हेलो जी, कितने हैं? बेगम बस में आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। छेती कार पहुँचती है रे प्यो, मैंने खांग खांग के दिमाग खराब किया। बेगम मैं आ रहा हूँ, बस दो मिनट। नहीं 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 नहीं, तो है ना कितने?